अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा फीडबैक गलत साबित हो रहा है। ठीक है, हमारा ये मानना है कि दानिश इकबाल, दानिश इकबाल, कांग्रेस ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो लास्ट मिनट तक वेट करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अभी भी जो है पूरा सिनेरियो वो बदल सकता है। आप उससे एग्री करते हैं? बहाना हो गया बहुत पुराना कांग्रेस के मित्रों, अब ढूंढो कोई नया बहाना। तो कांग्रेस के मित्रों को ईवीएम का, अभी मैंने देखा उदित राज जो इनके एमपी है उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, विजय सिंह ने भी ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। अब लगातार जो है इनके, और ये एक इस वक्त बड़ी खबर देना चाहूंगा, आप गो जो असेंबली हलका है वहां से आरजेडी की जीत हुई है, भीम कुमार सिंह ने आरजेडी की सीट पर जीत हासिल की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो रुझान नतीजों में बदल रहे हैं वो इस तरह से है कि अब गो विधानसभा जो क्षेत्र है, असेंबली हलका है, वहां से भीम कुमार सिंह आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं और उन्होंने शिकस्त दी है बीजेपी के अब मनोज कुमार को। तो ये तो टैली इस तरह से आती रहेगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले करीब दो घंटों से अब जीत और रुझान दोनों को मिलाकर एनडीए लगातार 123, 124 पर टिका हुआ है और ये हम सब जानते हैं कि 122 का जो है वो मैजिक फिगर है। अगर 243 में से 122 किसी भी पार्टी या इत्तेहाद, पार्टी का तो खैर सवाल ही अभी पैदा नहीं होता, लेकिन किसी भी इत्तेहाद को अगर आ जाए तो वो कंफर्टेबली सरकार बना सकती है, जो कि आरजेडी और प्लस, यानी जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें बाया महाज की पार्टियां हैं, वो सब मिलाकर अभी भी 109 पर है। यानी कि अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत कांटे की टक्कर है, थोड़ा बहुत भी अगर ये जो टैली है वो थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस होती है तो किसी एक इत्तेहाद को जो है वो जो जीत से पीछे रह सकता है, जो कोई दूसरा इत्तेहाद जो है वो जीत से आगे बढ़ सकता है। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से भी, मफजल साहब कांग्रेस से हैं। दानिश, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि ये जो टैली है लगातार देखिए फिर से 124 पहुंच गए, मीम अफजल साहब 123 को पकड़ लेते हैं, आपके लिए 124 का फिगर आ जाता है। सवाल इस बात का है कि क्या दानिश इकबाल को इस बात का पूरा भरोसा है कि बीजेपी या फिर बीजेपी के साथ जो अलायंस है वो मिलाकर अब किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है और उन्हीं की सरकार बनेगी? क्या आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए आजम भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही संयमित होकर के और बहुत ही क्लोजली जो है हम परिणाम को देख रहे हैं और हम परिणाम के अंतिम सीट के जो परिणाम है वहां तक जो है बिल्कुल शांति से उस परिणाम को देखेंगे। जिस प्रकार से रुझान तब्दील हो रहे हैं जीत में और जो रुझान आप बता रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का नेतृत्व और हर एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जो है आश्वस्त है कि एनडीए जो है पूर्ण बहुमत जो आंकड़े हैं 122, 123, मैं आपको बता दूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो जाकर के 130 से ऊपर हो जाएंगे और एनडीए जो है सरकार बनाएगी। लेकिन जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्लोजली जो है पूरे परिणाम का इंतजार करेगी, उसके बाद ही कुछ कहेगी।